हिमाचल पेंशनर संघ हमीरपुर जिला इकाई की मासिक बैठक जिला प्रधान केसी गौतम की अध्यक्षता में पेंशनर भवन हमीरपुर में संपन्न हुई, जिसका संचालन महासचिव शंभु राम जसवाल द्वारा किया गया। सर्वप्रथम बैठक में रतन ठाकुर निवासी बल तथा श्रीमती आशा देवी पत्नी स्वर्गीय सालिग्राम निवासी कैर्मी के निधन पर 2 मिनट का मौन रखा गया। चर्चा में भाग लेने वालों में संस्थापक संरक्षक बी डी शर्मा, प्रदेश महासचिव योगराज शर्मा, वरिष्ठ उप प्रधान लेखराज शर्मा, जिला वरिष्ठ उप प्रधान रंजीत ठाकुर, टोणी देवी खंड प्रधान सालिग्राम ठाकुर, विज्जर प्रधान करमचंद सोनी आदि प्रमुख रहे। बैठक में पेंशनरों की लंबित मांगों, समस्याओं तथा संघ की वर्तमान गतिविधियों के बारे में चर्चा की गई। संघ पदाधिकारियों एवं निर्माण कमेटी के सदस्यों द्वारा भवन में चल रहे निर्माण कार्य का भी संयुक्त जायजा लिया गया। पेंशनरों की सरकार के पास लंबित मांगों के बारे में, आगामी रणनीति के बारे में निर्णय प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद ही लिए जाने के बारे में सहमति हुई। पेंशनरों द्वारा विभागों में वर्षों से लंबित चिकित्सा बिलों का भुगतान न हो पाने के बारे में सरकार के प्रति गहरा रोष प्रकट किया गया। जिला प्रधान द्वारा पेंशनरों से अपील की गई कि जिनके बिल लंबित हैं वे अपना वितरण दे ताकि मामले विभाग में उठाए जाएं। बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक प्राधिकरण के प्रतिनिधियों द्वारा उपस्थित पेंशनरों को कानूनी सहायता के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त हमें सरकार से बहुत गिला है, क्योंकि सरकारें जब बनती हैं तो अपने घोषणा पत्र में ये पार्टियां जो है, राजनीतिक पार्टियां जो है, वो वायदे करती हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो हम इन मुद्दों के ऊपर हम आपसे बात करेंगे और आपको प्रदान करेंगे। लेकिन खेद की बात है कि बार बार आग्रह करने पर भी सरकार जो है वो हमारी मांगों को नहीं मान रही है, और बहुत जल्द हम इसका एक्शन लेंगे जिसके लिए सरकार ही उत्तरदायी होगी।